राजस्थान यूथ फाउंडेशन के सौजन्य से संतोखबा दुर्लभ जी अस्पताल के ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एवं वित्त सचिव नरेश ठकराल ने गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने बताया कि इस शिविर में 132 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। शिविर संयोजक पारुल अग्रवाल ने बताया कि रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए बॉलीवुड एक्टर एवं कोरियोग्राफर विकास सक्सेना, ACP राजेंद्र गुप्ता, सहारा समय के राजस्थान हेड सज्जन सिंह विशेष तौर पर पहुंचे। इस दौरान फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष सरलेश राणा, प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉ. प्रदीप जैन, जयपुर इकाई के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा आदि पदाधिकारियों ने रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र भेंट कर सम्मानित भी किया। मेरा नाम सुरभि सिंगल है और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान यूथ फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया है एंड उसकी वजह से हमें वॉलंटियर करने का मौका मिला कि हम किसी भी फॉर्म में एटलीस्ट वॉलंटियर कर पा रहे हैं इस कॉज के लिए। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी अच्छे से ही सब ने ट्रीट किया, तो सब बहुत अच्छा रहा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम किसी भी फॉर्म के अंदर किसी के लिए कुछ भी सेवा कर पा रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। तो कोई भी जो चीज़ कर सकता है, जो इस केपेबल है, वो इतना फिजिकली एक्टिव है और हेल्दी है कि वो कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करना चाहिए। राजस्थान यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के महोदय को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने इतना अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप चलाया और लगाया। इससे क्या होता है, जो आज की परिस्थितियों में हो रहे एक्सीडेंट्स, घटनाएँ, दुर्घटनाओं में कभी भी किसी भी व्यक्ति विशेष को ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, और ये डोनेशन कैंप एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक संदेश है कि हम किस तरह किस समाज को परिस्थितिवश ब्लड दे सकते हैं। और सभी सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं इनके ग्रुप के, राजस्थान यूथ फाउंडेशन के, उनको बधाई देना चाहता हूं कि सुबह पिछले कई दिनों से जो लगातार अथक प्रयास कर रहे हैं, 10-12 दिन से, तो मैं भी इनका स्टेटस लगातार देख रहा हूं, तो जो इनके अथक प्रयास है उसका परिणाम ये है कि आज ये कैंप जो है वो मेरे ख्याल से 100% सक्सेसफुल रहेगा और हम भी उसमें एक वॉलेंटरी अपना पार्ट दे सके, इसके लिए मैं इन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, मुकेश जी साहब को, अध्यक्ष साहब को, प्रदीप जी को। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश शर्मा है। सरलेश सिंह राणा, मैं फाउंडेशन से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ और हम लोग हर साल ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं और इसमें हर साल महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेती हैं। पहले काफ़ी अवेयरनेस कम थी, इस कारण लोग महिलाएँ दे नहीं पाती थी, इसका आज अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है कि महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं, ब्लड डोनेशन कैंप में आती हैं और ब्लड देती हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं शांति भटनागर, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेंबर। मैं राजस्थान यूथ फाउंडेशन हर बार ब्लड डोनेशन कैंप करता है और महिलाओं को भी जागरूक करता है कि महिलाएँ भी ब्लड डोनेट करें, क्योंकि पहले महिलाओं में इतनी जागरूकता नहीं थी कि वो ब्लड डोनेट करें, क्योंकि उनमें लगता था कि हम, मैं कमज़ोर हूँ, मैं अगर ब्लड दूंगी तो और कमज़ोरी आ जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड डोनेट करने पर और ज़्यादा ब्लड बढ़ता है और फ्रेशनेस आती है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए, मैं भी यही कहूँगी। और राजस्थान यूथ फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो हर साल इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप लगाता रहता है, और मेरी शुभकामनाएँ उनके साथ हैं। धन्यवाद। राजस्थान यूथ फाउंडेशन का इस वर्ष ये 8वां रक्तदान शिविर है। हर साल राजस्थान यूथ फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है और लोग बाग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। राजस्थान यूथ फाउंडेशन की एक्टिविटी का ये रोल है कि हर साल 200 से ज़्यादा हो रहा है और इस बार हम 300 यूनिट ब्लड का संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। एक्सीडेंट में या हारी बीमारी में कई बार राजस्थान यूथ फाउंडेशन द्वारा कई लोगों की हेल्प की गई है और हमें पूरा यकीन है कि आगे से आगे भी इस तरह से हमारा कारवा आगे चलता रहेगा।